अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर बैठे किस तरह अपने जानवरों की ख़रीदो फरोख्त ऑनलाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की ऐप मुतारफ़ कराई गई है, जिसको आप यूज़ करते हुए घर बैठे अगर आप अपना जानवर बेचना चाहते हैं तो इसका इश्तहार ऑनलाइन लगा सकते हैं और ख़रीदने वाले आपसे रब्ता करके आपका जानवर आपसे ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने कोई जानवर बाय करना है तो आप इश्तहार देखकर अपना जानवर बाय भी कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार सीखने से पहले आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर को ओपन करना है, ताकि वो वाली ऐप आप यहाँ से इंस्टॉल कर लें। आपने यहाँ पे सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और टाइप करना है फार्म घर। फार्म घर टाइप करेंगे और आपने इसको सर्च भी कर लेना है। तो टॉप पे जो आपके सामने ऐप शो होगी ऑनलाइन मवेशी मंडी के नाम से फार्म घर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने नीचे आना है, आइए शुरू करें के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे ज़बान पूछी जाएगी। आपने अपनी ज़बान यहाँ से जो आपको आसान लगे आपने मुंतखब कर ले है। हम यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शरायत और ज़वाबत आएंगी, आपने इनको रीड करना है। और रीड करने के बाद बिल्कुल आपने लास्ट में आना है, आई एक्सेप्ट मैं राज़ी हूँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा एक दफ़ा आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी और लोडिंग के बाद दोस्तों आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड शो हो जाएंगे। जो लोग अपना जानवर बेचना चाह रहे हैं वो यहाँ पर उन्होंने ऐड लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले एक ऐड हम देखते हैं जो शो हुआ है हमारे सामने। ये लिखा हुआ है चोलिस्तानी बछड़ा, 4 दिन पहले का है और इसकी उम्र जो है वो 30 माह है। कुल कीमत भी बताई है इन्होंने और ये गुजरात में इस वक्त मौजूद है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, आपको पसंद आया है, तो मज़ीद डिटेल के लिए इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखाई दिए जाएंगे कि ये इनके तस्वीरें हैं। फ़ोटो देखने के बाद अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे जो है आप बेचने वाले का नाम जो है वो भी लिखा हुआ है, मुकम्मल डिटेल है और मोबाइल नंबर भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इनको मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज पे मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं, इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था जिस पर आप अमल करके यहाँ पे अपने जानवर जो है ख़रीद सकते हैं, फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी करीबी जगह, तो शहर मुंतखब करें के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद सूबा सेलेक्ट करना है कि आप अपनी करीबी जगह पे भी कोई जानवर ढूंढना चाहते हैं। तो सबसे पहले सूबे पर क्लिक करने के बाद आपने अपना सूबा जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। पंजाब पर टिक करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है और ठीक है के ऊपर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट के ऊपर जैसे कि पंजाब पे क्लिक किया और ठीक है पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जब हमारा सूबा सेलेक्ट हो जाएगा तो आपने अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस ज़िले में जानवर जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं। तो ज़िला मुंतखब करने के ऊपर क्लिक करके आपने अपना ज़िला यहाँ से चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं और चूज़ भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो ये मुंतखब हमारे पास जो है हमारा ज़िला भावलपुर हो गया। इसके ऊपर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम वापस आएंगे दोबारा, और वापस आने के बाद जो है हम यहाँ पे हमने एक ज़िला बखर भी कर लिया है कि क्योंकि हमारे करीब पड़ता है, तो बखर हमने चूज़ कर लिया है। ये चूज़ करने के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और यहाँ पर आके हम अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे और भी करीब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम तहसील जैसी सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये कहा गया है कि ज़िला सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक ज़िला यहाँ से काट देते हैं, बखर को हमने काट दिया। उसके बाद जो है तहसील हमने सेलेक्ट कर ली, और तहसील सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम आएंगे यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है फ़िल्टर करें, फ़िल्टर करें के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मुंतखब करदा लोकेशन है वहाँ से आपको जानवरों के ऐड दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमने भावलपुर जो है ज़िला सेलेक्ट किया था, तो भावलपुर के जो है हमारे सामने सारे ऐड शो हो गए हैं कि इस ये जो ऐड हैं ये भावलपुर में हैं, आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था जिस पर आप अमल करके अपनी लोकेशन भी जो है यहाँ से चूज़ करके जानवर देख सकते हैं और अपना ऐड भी यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ऐप है, इसको आप इस्तेमाल करें और घर बैठे इस ऐप से फ़ायदा उठाएँ।